कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीसी की। इसके जरिए मोदी ने कोरोना महामारी को लेकर किए गए प्रयासों की जानकारी ली। पीएम मोदी के इस वीसी में सीएम गहलोत ने राज्यों को 1,00,000 करोड़ की तत्काल सहायता राशि देने की मांग उठाई है। साथ ही इंटर स्टेट सप्लाई चेन प्रोटोकॉल लागू करने का प्रस्ताव भी रखा। गहलोत ने सीएमआर पर मोदी के साथ राज्यों के मुख्यमंत्री की वीसी में भाग लेते हुए राज्य सरकार से ने बेसहारा निराश्रितों, गरीबों, निर्माण श्रमिकों सहित तमाम जरूरतमंद वर्गों को राहत पहुंचाने के लिए किए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी आपदा का सामना करने के लिए केंद्र सरकार का पर्याप्त सहयोग राज्यों के लिए बेहद जरूरी है। सीएम ने कहा कि कोरोना साई मंदी के कारण देश के अधिकतर राज्य पहले से विकट आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। लॉकडाउन से प्रदेश का पूरा अर्थतंत्र प्रभावित हो रहा है, उद्योग धंधे बंद पड़े हैं, राजस्व अर्जन की अधिकतर गतिविधियां बंद होने से लक्ष्य के मुकाबले काफी कम राजस्व मिल पाए हैं। इससे निपटने के लिए राज्य सरकार को जरूरतमंद वर्गों को अतिरिक्त सहायता और आर्थिक पैकेज दिया गया है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार जल्द से जल्द राहत पैकेज उपलब्ध करवाए और प्रदेश के लिए उधार लेने की क्षमता को 2% तक बढ़ाने की अनुमति प्रदान करे। गहलोत ने कहा कि ICMR वेंटिलेटर और PPE उपकरण की खरीद में समन्वय करें। वहीं राज्य के मनरेगा श्रमिकों के लिए पैसा एडवांस देने और विद्युत उत्पादन निगम का बकाया स्थगित करने की मांग की है। सीएम ने मोदी से कहा कि हमारा संकल्प है कि लॉकडाउन में प्रदेश का एक भी व्यक्ति भूखा न सोए और लोगों की परचेजिंग पावर बनी रहे। इसके लिए 78,00,000 लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा के तहत मिलने वाली पेंशन का फरवरी में भुगतान किया गया है। राज्य सरकार इस पर 1,500 करोड़ रुपए वहन कर रही है। वीसी में चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, CS DB गुप्ता, SES गृह सचिव राजीव स्वरूप, DGP भूपेंद्र सिंह, SES चिकित्सा रोहित कुमार सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।